डियर फ्रेंड्स, तो अपनी सॉन्ग्स नोटेशंस की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक नया वीडियो लेके। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा सॉन्ग्स नोटेशन का वीडियो है जिसकी मैं आपको नोटेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूं, एक बहुत ही फेमस सॉन्ग जो कि किशोर दा द्वारा गाया गया है और मूवी कटी पतंग से, जी हाँ आपने बिल्कुल सही पहचाना, प्यार दीवाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सॉन्ग है इसको म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन साहब ने और इसको संगीतबद्ध किया है आनंद बख्शी साहब ने। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, हारमोनिका के लिहाज से एक आसान सा सॉन्ग। तो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग की मैं आज आपको नोटेशन दूंगा, तो लेआउट बिल्कुल वैसा ही रहेगा। नोटेशन जो है वो मैं लिख के और साथ साथ बजा के आपको नोट टू नोट बताऊंगा सिंपल वे में, विदाउट टेकिंग एनी मुर्की और किसी भी तरह की कोई भी टच नोट्स। तो सिंपल प्लेन बजाऊंगा और फिर अंत में एक बार इस सॉन्ग को हारमोनिका के ऊपर आपको बजा के दिखाऊंगा, सो दैट आपको हारमोनिका की जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने में आसानी रहे। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा रहेगा इस वीडियो का लेआउट। तो बिना देरी किए हुए फ्रेंड्स चलते हैं, बढ़ते हैं इस सॉन्ग की नोटेशंस की तरफ। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जो नोटेशन है वो मैं सो कॉल्ड सरगम नोटेशन में ही दूंगा। तो सरगम नोटेशन से मतलब कि जो नोटेशन है उसके सिंबल्स वो मैं सरगम नोटेशन के जो सारे गामा पाधा नीसा होते हैं तो वही यूज़ करूंगा। बट एग्जैक्टली ये सरगम नोटेशन नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हमने जो सी नोट है, सी स्केल हारमोनिका का सी नोट, उसको हमने सा मान लिया, डी नोट को रे मान लिया और उस प्रकार से सभी नोट्स जो हैं वो हमने फिक्स कर दिए हैं। तो जबकि सरगम नोटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हो सकता है कि इस सॉन्ग का जो सा है वो एग्जैक्टली सी नोट ना हो, बट आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और हारमोनिका के ऊपर बजाने पे कोई किसी प्रकार की आपको तकलीफ ना हो, तो इसलिए हमने ये सिस्टम जो है उसको फॉलो किया है। तो सी नोट को हम सा मान के ये जो पूरी नोटेशन है उसको हम सॉन्ग में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सॉन्ग का बिल्कुल आसान सा मुखड़ा पाठ, तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत से नोट्स के नीचे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, तो वो वाले जो नोट्स हैं दे बिलोंग टू लोअर ऑक्टेव। तो लोअर ऑक्टेव के नी से मैं स्टार्ट करूँगा और आपको बजा के दिखाता हूँ। और एक और चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि सिंपल सा सॉन्ग है, कहीं पे कोई स्लाइडर इस पार्ट में यूज़ नहीं किया गया है। तो एक बार बजा के देखते हैं, ये नी नोट है, यहाँ पे धा सा जो नोट है तो वो इकट्ठा बजेगा, एक बार दोबारा से पहली लाइन, दूसरी लाइन लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है, तो यहां पे धापा नोट मैंने लिया है, यहां पे सिंपल पा था, फ्रेंड्स ये है इस सॉन्ग का मुखड़ा पाठ। तो अंतरा की तरह आप देख पा रहे हैं कि बहुत से नोट्स के नीचे यहाँ पे डॉट लगा हुआ है तो वो लोअर ऑक्टेव के हैं और कहीं पे भी किसी जगह पे स्लाइडर जो है वो यूज़ नहीं हो रहा। तो अंतरा भी जो है वो नी नोट से स्टार्ट हो रहा है, वो भी आपको बिल्कुल स्लो स्पीड पे एक बार बजा के दिखाता हूँ, ये नी नोट है, बार पूरा दोबारा से आपको बजा के दिखाता हूं,
तो इस प्रकार आपने देखा कि अंतरा जो है वो भी बहुत सिंपल है, ओवरऑल पूरा सॉन्ग जो है वो बजाने में सिंपल है। तो एक बार नोट टू नोट मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे कौन से वर्ड के साथ कौन से नोट्स जो हैं वो आपने प्ले करने हैं। तो इसके बाद अभी हम देखेंगे कि इस सॉन्ग को जब हम हारमोनिका के ऊपर प्ले करेंगे, तो हालांकि अभी भी मैंने आपको हारमोनिका के ऊपर ही प्ले करके बताया, बट अभी मैंने नोट टू नोट बताया था। तो अभी चलते हैं, एक बार आपको पूरा सॉन्ग जो है वो हारमोनिका के ऊपर प्ले करके बताता हूँ, जिससे कि आपको हारमोनिका की मूवमेंट जो है तो वो समझने में आसानी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार ये सॉन्ग हारमोनिका के ऊपर आपको बिल्कुल स्लो स्पीड पे एक सिंपल वे में आपको बजा के दिखाता हूँ। सिंपल वे का मतलब बिना कोई टच नोट या मुरकी या हरकत लिए हुए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये नी नोट से स्टार्ट होता है सॉन्ग, ये नी नोट है, तो यहां से इसको स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल स्लो स्पीड पे आपको बजा के दिखाता हूं। इसके बाद देखते हैं सॉन्ग का अंतरा पार्ट, यहां से स्टार्ट होगा। इसके बाद फिर से दोबारा से वो लाइंस जो हैं वो रिपीट हो जाएंगी। तो एक बार आपको मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बिल्कुल स्लो स्पीड के ऊपर ये सॉन्ग जो था वो आपको बजा के दिखाया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये नोटेशंस जो हैं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, आप इस सॉन्ग को इजीली बजा पाएंगे। और जब आप इस सॉन्ग को बजाएंगे और अगर बजा के मुझे भेजेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जैसा कि पहले भी जितने भी मैं नोटेशंस वीडियो बनाता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई मुझे सॉन्ग बजा के हारमोनिका के ऊपर भेजते हैं और बोलते हैं कि हमने आपकी नोटेशंस को फॉलो करते हुए ये सॉन्ग बजाया है, तो मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की है, जो वीडियो बनाया है, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। मतलब आप लोगों को अगर बेनिफिट मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरा जो वीडियो बनाना है वो सफल हुआ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही नए नोटेशंस वीडियोस के साथ समय समय पे आप सभी के रूबरू होता रहूंगा और जल्दी ही मिलेंगे अपने एक और नए नोटेशन वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय फॉर।